हे फूड लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज हम बनाएंगे गुड़ का इस्तेमाल करके कद्दू की खीर। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि वो यदि खीर में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी खीर फट जाती है। तो आइए हम देखते हैं कुछ टिप्स जिससे आपकी खीर बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कद्दू, इसे मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है, और एक कटोरी चावल, इसे मैंने धुलकर तैयार कर लिया है, और गुड़ जिसका हम आज खीर में इस्तेमाल करने वाले हैं, और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उन्हें बारीक काट कर रख लें। सबसे पहले हम कद्दू को कुकर में डालकर एक सीटी आने तक पका लेंगे। इसे हम इसलिए पका रहे हैं ताकि जो हमारे चांसेस हैं खीर के फटने के वो इससे कम हो जाएं। जब तक हमारा कद्दू पककर तैयार हो रहा है हम चावल को पका लेते हैं। मैंने यहाँ एक कटोरी चावल लिए हैं तो मैं उसे तीन गुना पानी इसमें लूँगी चावल को पकाने के लिए। मैंने यहाँ तीन कटोरी पानी पतीले में डाला है। अब हम इसे ढककर उबाल आने तक रख देंगे। अब हमारे पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे चावल। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल में उबाल आने लगा है, इसे बीच में खोलकर एक दो बार चला दें ताकि जो इसका पानी है वो बाहर ना गिर पाए। अभी हमारे चावल कुक नहीं हुए हैं, हमें थोड़ी देर और ढककर इसे पकाना होगा। अब हमारे राइस अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं, हमारा पानी भी इसमें थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अब हम मिक्स करेंगे इसमें मिल्क। अब ये मिल्क के साथ जब हमारे चावल पकेंगे तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, हमारे जो राइस हैं बहुत ही क्रीमी हो जाएंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर हम पकने देंगे। अब हमारे कद्दू जो है पककर तैयार हो गए हैं, हम इसे कुकर में से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन आप ठंडा होने तक इसका वेट करें। हमारे जो कद्दू हैं एकदम सही कुक हुए हैं, बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं हुए हैं, ये फैल नहीं रहे हैं। अब हम इसे किसनी से किस लेंगे, इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा हमारी खीर में टेस्ट आएगा, कद्दू बराबर से हमारी खीर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम कद्दू को जो है किस कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने सारा कद्दू किस लिया है। अब हम इसे हमारी खीर में मिक्स करेंगे। हमारा दूध और चावल जो है अच्छी तरीके से पक गए हैं, देखिए। अब हम कद्दू को खीर में मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारी जो खीर है बहुत ही थिक हो गई है, बहुत ही गाढ़ी दिख रही है। तो आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसमें ना ही गुड़ का इस्तेमाल किया है और ना ही शक्कर का। जब भी हम इसमें शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो खीर अपने आप ही पतली हो जाती है। तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ जैसे ही मेल्ट होगा हमारी खीर जो है हल्की सी पतली हो जाएगी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो गुड़ है मेल्ट होकर हमारी खीर में अच्छे से मिक्स हो जाए। गुड़ भी है जो हमारा पकने लगा है, अच्छी तरीके से गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। यहाँ मैंने थोड़ा दूध बचा के रखा हुआ था, वह मैं अच्छे से डाल के इसमें मिक्स कर दे रही हूँ ताकि जो कंसिस्टेंसी हमें खीर की रखनी है हम वो रख सकें। इसे थोड़ा सा ही पकाना है और इसका गैस बंद कर देना है। इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो आपका दूध अब फट सकता है, क्योंकि हम इसमें गुड़ डाल चुके हैं। गुड़ आपको सबसे लास्ट में इसलिए ही डालना है ताकि आपकी जो खीर है वो फटे ना। अब हम इसमें डाल रहे हैं इलायची। इलायची को मैंने थोड़ी सी शक्कर डालकर मिक्सर में पीस लिया है, यह मिक्स कर रहे हैं। और नारियल, किशमिश, काजू बादाम, जो भी आपको पसंद है आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे।
और हमारी खीर बनकर तैयार है। अब हम इसे एक बोल में सर्व करेंगे। आप इसे गर्मा गर्म या ठंडा करके भी खा सकते हैं, आपको जैसा भी पसंद है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको कोई स्पेशल रेसिपी देखनी है तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो करके ज़रूर आपको बताऊंगी। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।